सर्वप्रथम तो उन बच्चों के साथ सॉलिडारिटी जो सड़कों पे हैं और नीट की परीक्षा की व्यापक धांधली के शिकार है, उसके मद्देनजर कुछ बातें, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, मैं एक बात आप लोगों से कहूं कि कैसे अफवाह खबर बनाई जाती है झूठी, और उसमें सब आप लोग गुनहगार हो गए थे। बीच चुनाव में मध्य प्रदेश से एक खबर आई कि लालू जी के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट हर अखबार ने छाप दिया, हर मीडिया ने चला दिया। पता चला वो लालू यादव बख्तियारपुर के थे, लेकिन खबर चली। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी हाल के दिनों में एक हॉन्टेड स्टोरी चलाई जा रही है गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, जिसका कोई कागजात नहीं है। अब आइए, मैं इससे पहले की शुरुआत करूं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखने की, ये आज का इंडियन एक्सप्रेस स्क्रैप से 68 सवाल सिमिलर मिले हैं, स्क्रैप से, बाकी जला दिए गए होंगे। 200 सवाल होते हैं, 68 सवाल रद्दी से, स्क्रैप से वही मिले हैं। अब इस परीक्षा को क्लीन चिट देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, कहां हो भाई, क्या कर रहे हैं आप, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आइए हम थोड़ा फिर बिहार चलते हैं, बाकी जगह भी आऊंगा। बिहार में एक संजीव मुखिया, वो बीपीएससी की परीक्षा के रीडिंग के भी सूत्रधार थे, नाम आया उनके बेटे डॉक्टर शिव का, बाहर बाहर जमानत ले ली। कौन जमानत दिलवाता है भाई, बिहार से जमानत नहीं मिली, बाहर से जमानत ले ली। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं, महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी है, ये आपके समक्ष तस्वीर है, मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है। जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई, और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा रिक करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी, बाकी आप भी लेंगे। ये भी तथ्य तहकीकात के लायक है कि अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाई है, एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर, अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं ये व्यक्ति अमित आनंद जी। संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे खुद कहा गया है गर्व के लिए कि हम ऐसा करते हैं। अब आपके समक्ष चाहिए कि हरियाणा में एक स्कूल है, उस स्कूल में कई सारी चीजें, उस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। उस स्कूल के मालिक की तस्वीर देखिए, कौन है ये, हरियाणा के, ये दिखाइए, ये महापुरुष कौन है, ये मुख्यमंत्री हरियाणा है, उनके साथ तस्वीरें। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता है, वो रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। अब मेरा सीधे सवाल ये है कि ये जदयू भाजपा के लोग, अगर तेजस्वी जी के 17 महीने का कार्यकाल छोड़ दें, जिसमें उप मुख्यमंत्री थे, जिसमें कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, जिसमें 5 लाख लोगों को नौकरी मिली,
जिसमें 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की गई जो संभवतः वह आएगी, बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि उसमें लीकेज ना हो। तो ये आपको दिगर बात है कि बिहार में परीक्षाएं लीक क्यों होती है और देश भर के लीकेज का ये बिहार गुजरात कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन तहकीकात का विषय होना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि ये अमित आनंद हो, एक नीतीश कुमार हैं, एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार और एक साहब संजीव मुखिया, इनको शील्ड कहां से मिली हुई? अगर भाजपा जदयू की शील्ड नहीं है तो ये बेहयाई से इस काम में कैसे लगे हुए? अब आइए एक सवाल आपको और, जो आपके मन में होगा। आपने सिकंदर यादवेंदु का नाम सुना होगा, लोग रिश्ता जोड़ने लगे लालू जी के साथ, चूंकि यादव है। तो मैंने कहा था फिर तो नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी मौसेरे चचेरे फुफेरे भाई है। इस व्यक्ति को पहले तो ये जानिए कि ये लाभार्थी है कि नहीं, उसने किया कि नहीं, ये तो सीबीआई की जांच होगी, तहकीकात होगी। इसको नौकरी किसने दी, किसके कार्यकाल में 2021 में इसका पदस्थापन हुआ, ये तहकीकात का विषय होना चाहिए, ना कि उसका सरनेम कि यादव है तो जोड़ दो। ये बेशर्मी पाखंड की हद है। इसलिए आपके समक्ष तमाम सबूत लेकर के हम आए, ये सबूत हैं, ये सबूत हैं बिहार के जदयू भाजपा नेताओं के, ये सबूत हैं उनकी कारगुजारियों के, ये सबूत है कि कैसे सारे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध थे। एक व्यक्ति डंके की चोट पर कहता है कि मैं दुनिया का कोई परीक्षा लीक करा दूंगा और वो व्यक्ति खुलेआम उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है। और तस्वीरें हैं, एक के कार्यालय को देखता है वो वेबसाइट पे खुद अपने कॉलेज की लिख रहे हैं। अब आइए जो सबसे एक और दीगर बात है, इसमें कोइंसिडेंस बहुत है। एक ही केंद्र पर ग्रेस मार्क्स मिले, एक ही केंद्र पर 718-719 मार्क्स आए, और ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री क्लीन चिट देते रहे। और जब बात बढ़ी आगे तो उन्होंने क्या किया, एक झूठ मूठ की कहानी गढ़ी कि थोड़ी विसंगति है, एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे। किस बात के लिए हाई पावर कमेटी, कितने सबूत चाहिए आपको? प्रतिदिन अखबारों में छप रहा है, प्रतिदिन पूरी कहानी आ रही है। तो आप लैच ऑन कर गए बिहार के उस स्टोरी पे, बिना संजीव मुखिया अमित आनंद नीतीश को देखे हुए लैच ऑन कर गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतने साक्ष्य और सबूत है, उसके बाद आप इन दोषियों पे कार्रवाई करिए, अनुसंधान करिए बिना पूर्वाग्रह के, बिना पूर्वाग्रह के। और तीसरी चीज, परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज मैं कहूं, एनटीए नाम की जो संस्था है ये फ्रॉड है, हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया, आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है। बच्चों से माफी मांगिए और कहिए कि अनुसंधान में ये जो बड़े बड़े नाम हमने गिनवाए, ये सारे नाम गिरफ्त में आने चाहिए, कोई उसके बाहर नहीं। नहीं तो हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट्स है, लीगल उपकरण है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप कोई सवाल चाहें? हाँ, एक तस्वीर छूट गई, हालांकि मैं क्या कहूं, ये चुनाव हार चुके हैं। ये भी तस्वीर, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, बिहार का कोई टॉप बीजेपी जेडीयू लीडर नहीं है जिनका इनके साथ की तस्वीर, और बड़ी अंतरंग तस्वीर। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस से 20 आदमी के भीड़ में एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं, माला ले रहे हैं। एक कह रहा है कि हम अपने कॉलेज की वेबसाइट पर कि मैं संजय जायसवाल जी का कार्यालय देखता हूँ, एक कह रहा है मैं एक अन्य मार्ग कभी भी जा सकता हूँ, एक कह रहा है कि मैं कोई भी परीक्षा लीक करा सकता हूँ। तो ये सारे लोग गिरफ्त में आने चाहिए, और अनुसंधान और तहकीकात के बाद
सख्त से सख्त सजा मिले और नीट के एग्जाम को कैंसिल किया जाए। सर क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं नीट को लेकर आपने भी और कई दिनों से चल रही है, और पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा कि कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है। सरकार एनडीए की है अब तो, और पहले बीजेपी की संभावना थी, क्या जो शिक्षा मंत्री है उनकी जवाबदेही अपोजिशन मजबूत इस बार सही तरीके से तय की जाएगी? इस्तीफा इस सरकार में होता नहीं, उस तरह की चीजें भी आप संसद में भी आज ये कोशिश करेंगे भाई इस्तीफा हो, दबाव बने, क्योंकि संस्थाओं के अधिकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन असली जब तक सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं आएगा, इस्तीफे नहीं होंगे, उस तरह की दो चीज महत्वपूर्ण है आपके सवाल में। संभवतः सुबोध सिंह जी को हटाया गया, गुनाह कबूल कर रहे हैं जी 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 जी, भाई मैं कह रहा हूं उनको आपने वेटिंग में डाल दिया। कोई जोशी जी भी हुआ करते हैं वहां, उनको क्लीन चिट दे दी। ये कहां घर में बैठ के हो रहा है? पहले दिन मैंने, मुझे याद है, धर्मेंद्र प्रधान जी क्लीन चिट दे रहे थे, वो तो बावेला मचा जब एविडेंस आया हर जगह से, गुजरात से, हरियाणा से, बिहार से, ओएसएस स्कूल हजारीबाग जिसका जिक्र करना मैं भूल गया। तो उसके बाद ये जो आपने कहा ना कि इस्तीफा मोदी जी की सरकार में नहीं हुआ करता था, माफ कीजिएगा ये मोदी जी की सरकार अब नहीं है। जिस आदमी को 240 पे के लाले पड़ गए हो 400 पार भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अब वो ब्लॉक करे कहीं। इस्तीफा भी होगा, परीक्षा रद्द भी होगी, न्याय मिलेगा, क्योंकि संसद को मैनेज करना आसान है, सड़क को मैनेज करने की कला नहीं आती है इन्हें। किसान के केस में क्या हुआ? वापस लेना पड़ा ना, संसद को तो आपने हट धर्मिता से हटा दिया था, लेकिन सड़कों का उबाल आपको कदम पीछे लेने को मजबूर कर दिया। और इसमें भी वही होना है, क्योंकि हमें पूरा पता है कि नीट का ये करप्शन चुनाव से भी जुड़ा है, चुनाव लड़े गए हैं यहां से प्राप्त पैसों से। तेजस्वी यादव के सहयोगी प्रीतम का भी नाम लगातार जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार ले रहे हैं, तेजस्वी यादव के संलिप्तता का आरोप है, उसको क्या कहना? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्या संलिप्तता? आप कहते हो कि 440 नंबर पत्र के आधार पर उन्होंने गेस्ट हाउस बुकिंग कराई, अव्वल तो वो 440 नंबर पत्रांक दिखाइए, वो दिखा नहीं पा रहे हैं, गलत हथरे की कोई जगह है? अब आप ये बताइए उससे ये संलिप्तता कहां प्रूव होती है? सिर्फ सरनेम, मतलब डेमोनाइज करना है एक जाति को या जातियों के एक समूह को। क्योंकि मैंने पिछले दिनों सुना था देवेश ठाकुर जी बड़े नाराज हैं यादव मुसलमान कुशवाहा से, अब वही प्रवृत्ति वहां भी। भाई थोड़ी मुख्यमंत्री हैं आप, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक गंभीर होना चाहिए। हमने तो आपको एविडेंस के साथ दिया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने अपने मन से बोली हो, हर व्यक्ति के बारे में जो गुनहगार है। अब तेजस्वी जी को इस अफसाने में लाने की कोशिश, मुंह के बल गिर गया आप, आपके पास कुछ नहीं है, एजेंसी आपकी है भाई, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका, जो करना है करो, लेकिन बच्चों को न्याय दो। तो ये नौटंकी अब नहीं चलेगी जी। मंत्री का कहना है कि जो कोचिंग सेंटर उन्हें नियमों का पालन करना होगा। देखिए ये कमाल की बात हो रही है, आग लग गई, आप कह रहे हैं कि माचिस की तीली ने लोग ना रख, ये बात होती है, तार्किक है कहीं से? कोचिंग सेंटर पर अलग से बात करिए ना, अगर कोचिंग सेंटर आपके एग्जाम को रिक कर रहा है तो गुनहगार मैं कोचिंग सेंटर को मानूं या मंत्रालय और उसकी संरचना को, आप तय कर लीजिए गुनहगार असली कौन है, ये तय करना। मैं समझता हूं इस दल, इस पार्टी के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ इनका विजडम इंडेक्स शून्य पे है, शून्य विजडम इंडेक्स के साथ आप बच्चों के साथ, युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकते। सर न्याय को लेकर के सरकार ने सीबीआई जांच बिठा दी, बिहार में सीबीआई जांच को लेकर के, उसके अलावा एनटीए सुबोध को भी हटा दिया गया है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों को न्याय मिल रहा है, सरकार भी उनको न्याय देने को लेकर? नहीं, छात्रों को न्याय तभी मिलेगा जब आज से लेकर के पुरानी परीक्षाओं का अवलोकन हो और इस परीक्षा को दोबारा करवाइए। आप उन बच्चों को देखिए, अभी पीजी नेट आपने कैंसिल किया, बच्चे अपने अपने केंद्र पे पहुंच चुके थे, क्या बना के रख दिया साहब आपने? आप कहते हैं 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, सचमुच पेपर लीकेज इस स्तर पर नहीं हुआ, आपकी सरकार लीक कर रही है जगह जगह से, लीक कर रही है, उस लीक का परिलक्षण, उसका इंपैक्ट
आपकी उन संरचनाओं पे है जिनको आपने अपने लोगों को मीडियोकर लोगों को उससे भर दिया है, चाहे वो यूजीसी हो या एनडीए हो। सर ये तीनों नेताओं के जो संजीव मुख्यमंत्री आनंद नीतीश का आपने नाम लिया, इन तीनों के तस्वीरें बीजेपी नेताओं से या जेडीयू के संजीव मुखिया? दोनों के मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड हैं और बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, उसमें कहीं कोई क्या कहते हैं मतलब इस बात नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं, तस्वीरें कहानी कह रही हैं, बस उस कहानी को पढ़ने सुनने की जरूरत है। जी अमित आनंद ने कहा कि संजय जायसवाल के साथ, उन्होंने अपने वेबसाइट पर लिखा, आप चेक कर लीजिए कॉलेज की वेबसाइट, उन्हीं की तस्वीर है डिप्टी सीएम। जी 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 अपने कॉलेज के वेबसाइट पर लिखा है, अगर रात भर में उड़ा ना दिया हो तो अलग बात है। वैसे मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई चीज उड़ती नहीं है डिजिटल दुनिया में, वो रिट्रीव हो जाएगी अगर सीबीआई चाहेगी तो। सर तो परीक्षा रद्द करवाने को लेकर क्या आरजेडी की आएगी, क्या रणनीति है? आरजेडी पूरे विपक्ष के साथ सरकार को ये कहेगी, आग्रह करेगी, आप बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो, परीक्षा रद्द करो, उनके सपनों को तहस नहस मत होने दो। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये जो एनटीए है ये टॉर्चर एजेंसी में तब्दील हो गई है, ये फ्रॉड है, इसको चॉइस है गवर्नमेंट की, या तो अरेबियन सागर में या बे ऑफ बंगाल में, दोनों में से जो उनको अच्छा लगे वहां फेंक दें। सर बड़ी तादाद है बच्चों की, 24 लाख बच्चे बताए जाते हैं, क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में बोलना चाहिए कोई स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल? आपको अपेक्षा होगी प्रधानमंत्री जी से, मुझे बिल्कुल नहीं है। सवा साल से मणिपुर जल रहा है, मुंह से मछली बोले, मुंह से मटन बोले, मुंह से मंगलसूत्र बोले, मुंह से मुजरा बोले, मुंह से मणिपुर नहीं बोले। तो ऐसे व्यक्ति से मेरी अपेक्षाएं शून्य है। हालांकि अगर एनडीए के दोनों पार्टनर जो अब हैं, जिनके कंधों पे ही ये सरकार चल रही है, चंद्रबाबू जी और नीतीश जी, अगर उनकी अंतरात्मा जाग गई तो शायद मुंह से मणिपुर भी बोले और एन से नीच भी बोले, बस उसी का इंतजार है। थैंक यू, शुक्रिया। कुछ पार्लियामेंट सर, प्रोटेम स्पीकर, देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन प्रोटेम स्पीकर, व्हाइल द गवर्नमेंट से दैट दे आर गोइंग बाय द रूल एंड बिकॉज देयर इज अनइंटरप्टेड 7 टर्म्स फॉर मिस्टर मेहताब, दैट्स व्हाई ही हैज बीन मेड प्रोटेम स्पीकर, ऑपोजिशन इज एन एंटी। आई विल टेल यू, लीडर्स फ्रॉम बीजेपी हु हैव बीन सेइंग दिस, दे शुड लुक एट द आईडिया ऑफ प्रोटेम स्पीकर and the choice of pro tem speaker from 1952 onwards. There have been tradition. You don't look at the interruption in the tenure, you look at the overall tenure. I mean, this kind of bizarre logic speaks very badly about the government, that on day one, you have chosen not to go by consensus. I leave it to them, because Mr. Modi and his party, they have authoritarian streaks. But I would caution them that this is not 2019 mandate. This is a shaky, fragile mandate. And you cannot go by the attitude of my way or highway. God give them a sense, a good sense, to run the parliament through consensus. Sir, this matter has been raised in the past few years. Look, it's clear that you all have a lot of thanks. Any kind of jan-sarokar ki cheez. I'm happy that after this mandate, not only the Sansad mein tabdeeli aayi hai, मीडिया हाउसेस में भी तब्दीलियां आई हैं। अब ब्रीदिंग स्पेस इज देयर इन एवरी मीडिया हाउस, हर जगह सांस लेने की जगह मिली। आइए खुल के सांस लें और खुल के बोलें उन चीजों के लिए जिनके लिए आपका निर्माण हुआ है और मेरा निर्माण हुआ है। थैंक यू।